तराजी प्रखंड कार्यालय के परिसर में वार्ड सदस्य महासंघ का बैठक किया गया। इस वार्ड सदस्य महासंघ की बैठक में कई बातों की निर्णय लिया गया, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों की विकास से संबंधित बातों पर भी चर्चा की गई। प्रखंड के वार्ड संघ के प्रखंड अध्यक्ष भोजपुर जिला के जिला में मीडिया को झेल रहे और संभाल रहे हर प्रकार से कोई भी सूचना का लाभ प्रदान नहीं है। जिला संघ के मीडिया प्रभारी जो आपके रिकॉर्डिंग कर रहे हैं सदाम प्रसाद जी और प्रजेश जी जिनको मैं जानता पहचानता हूँ, नाम से नहीं भी जानता, वो हमारे सभी साथी बड़े बुजुर्ग हम छोटे सभी हमारे भाई माताएं बहने वार्ड सदस्य और सदस्य और तरारी प्रखंड के 1900 पंचायत से कोने कोने से आए हुए हमारे सभी वार्ड सदस्य, आज की इस बैठक में मैं इस किसान सभागार से आप लोगों का स्वागत करता हूँ, हार्दिक धन्यवाद। साथियों, हम लोगों ने जिला में मीटिंग किया पिछले 29 मई को, उसमें हम लोगों ने महसूस किया कि संघ बनाते वक्त 2016 के जुलाई अगस्त में जो जोश और ऊर्जा हम लोगों में था, उसपे इस 1.5 वर्ष बाद 2 वर्ष बाद मैं समझता हूँ कि शायद गिरावट आई। आप लोग इसको महसूस करिएगा कि शायद आया है कि नहीं आया। जब तक हम लोगों के खाते में पैसा नहीं गया था, काम नहीं लगा था, हम सब लोग एक थे, काम की तरह एक आवाज कहीं से जिला में चला जाता था कि पटना में प्रदर्शन है, हरियाणा में प्रदर्शन है, हमारे सब भाई अपना हरियर नहीं काटते थे, जानवर को दाना नहीं देते थे, किसान के खेती का काम छोड़ देते थे, सब लोग गाँव सुनते हुए और सब आदमी हम कमी अंदाज के देता है। छोटे जनप्रतिनिधि स्तर के सबसे छोटे जनप्रतिनिधि है, अपने छोटे छोटे घरेलू काम को छोड़कर भी हम लोग जहां भी बुलाया जा सकता पहुंच जाए, लेकिन आज ये 1.5-2 वर्षों के अंदर इस कालखंड में तो समय की धारा में समय बह गए, इतने दिनों में व्यापक परिवर्तन है और वह परिवर्तन यह है कि इस कालखंड में हम लोग जेल भी गए 19 दिन हमारे 106 भाई जेल में रहे, किसी हक और अधिकार के लिए, नल जल के पैसा प्राप्त करने के लिए, आदि के लिए या किसी और उद्देश्य से हम लोग पटना गए थे, इसी के लिए लगे थे कि ये पैसा हम लोगों को आए जल्दी आए, मुखिया और हाईकोर्ट चला गया और कोर्ट में पेंडिंग चल रहा था मामला, हम लोगों ने जिला में बैठ कर तय किया कि भाई हाईकोर्ट का डिसीजन आने वाला है, उससे पहले ही सरकार को एक दबाव बनाया गया पटना में बैठकर और उसके लिए हम लोग पटना में गदई बाग प्रदर्शन किए और प्रदर्शन हम लोगों का कुछ मुखिया संघ के ही लोग उसमें घुसे, ये सच्चाई निकल जाएगी। हमारे समस्त नहीं क्या पता थे क्या चीज पर हमारे संगठन को आंदोलन को कमजोर करने के लिए कुछ ऐसे तबके के लोग उस आंदोलन में शामिल हो गए थे जो कि जान बुझ कर पथराव किए हम लोग शांति पूर्वक विधानसभा जा रहे, लेकिन बीच में हमें बाधित किया गया और हम लोगों ने तो पुलिस पर कुछ नहीं चलाया, पुलिस हम लोगों को निहत्था आदि पर आदि लाठी डंडा चलाई, 106 लोग पकड़कर जेल गए, हम प्रतिदिन सिविल कोर्ट पटना जाते रहे आज से 1-2 दिन बीच में रोज तारीख दौड़ते दौड़ते 19 दिनों में निकाल कर लाए, जिसमें सबसे ज्यादा गिरफ्तारी किए बक्सर जिला में उसमें 29 लोग गिरफ्तार हुए। ये सब दिन हम लोग देखे, हमारे एक साथी को आरा सदर के ये है आरा सदर के सलेमपुर पंचायत में हमारे एक साथी तारकेश्वर जी को आप सभी अवगत है, वहां के मुखिया मनीष यादव बिना मतलब के उन पर लाठी डंडे से प्रहार करके ऐसा स्थिति कर दिया उनके रीढ़ की हड्डी में फ्रैक्चर आ गया, तो यही आवाज हमारे संघ से उठा के हम लोग नारा में प्रदर्शन करेंगे और इतनी संख्या में हम लोग पहुंच गए कि मुखिया की गिरफ्तारी हो गई शाम होते हुए और FIR दर्ज हुआ, विधि सम्मत कार्रवाई हुई, आज भी केस चल रहा है, सजा भी होगी उस केस में।
तो ये आपके संगठन की एकता का देन है। हम ऐसे सिलाई लड़े, लेकिन साथियों दुख के साथ ये लेकर इतना आया, अभी तो इतना आया, एक दो तीन चार, यहाँ जो उपस्थित है इसमें से छह आदमी का तो आ गया, 16-17 हजार वाट चयनित नहीं है और पैसा नहीं जा रहा है। और सीएम साहब से बात कर रहे हैं, अगर कार्रवाई नहीं होता है तो क्या हमारा वार्ड सदस्य इतना कमजोर है हमारा संघ की पैसा मुखिया नहीं जाने, जरा विचार करिएगा इस पर। 1900 मुखिया है और हमारी संख्या कितनी है तारी 245 245 का 45 हमारे भाई दराज भी हमारे सदस्य है, वो भी 200 है और 200 आदमी के रहते हुए पैसा ट्रांसफर नहीं हो रहा है। अध्यक्ष जी आपसे आग्रह होगा कि हम जिलाधिकारी से बात कर लेते हैं और उसके बाद बैनर बनाइए अनिश्चितकालीन हड़ताल पर हमको बैठेंगे, यही सीतारानी को पैसा पैसा नहीं है, पैसा किसी के पिताजी का है, सरकार का पैसा है, उन्हीं के पंचायत में खर्च करना है, मुखिया के पंचायत से निकाल कर किसी दूसरे मुखिया के पंचायत में नहीं ले जाते, उसी पंचायत में खर्च करना है और इसके लिए जिम्मेवार प्रखंड विकास पदाधिकारी है, ये पैसा नहीं जा रहा है। हम लोग उनको कटघरे पे खड़ा करेंगे, रात में भी धरने पर बैठे रहेंगे और जब तक पैसा नहीं ट्रांसफर होगा तब तक हमारा संघ का साथी उठकर यहाँ से नहीं जाएंगे। इसकी तैयारी आपको कीजिए, जिला से हम लोग साथ देने के लिए तैयार है, जरूरत पड़ेगी तो दूसरे प्रखंडों के भी वार्ड सदस्य आपके बैठक तले बैठेंगे, यही के नहीं कोयलवर से भी लोग आ जाएंगे, शाहपुर से भी लोग आएंगे, बिहिया से भी लोग आएंगे, उदवत नगर से भी लोग आएंगे, लेकिन आवाज और शुरुआत करने की जरूरत है कि एक न्यू रूपा जिले क्यों नहीं पैसा ट्रांसफर करेंगे। उसका हम लोग एकदम, आप कैसे गांधी जी ने कहा था कि तुम मुझे खून दो मैं तुझे आजाद, सुभाष चंद्र बोस बोले हम आजादी दे, आप लोग आइए दो। पटना में मीटिंग चल रहा था, कुछ साथियों ने उसमें उठाया, आपका भोजपुर और दिनों से अपेक्षा अच्छा है,